वेलकम टू न्यू लेसन। इस लेसन के अंदर हम और जो बड़ी सारी यूट्यूब एड्स हैं वो बनाना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं प्लस करके करता हूँ न्यू कैंपेन, देन मैं जाता हूँ क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल, देन मैं करता हूँ वीडियो, और इस बार हम बनाते हैं नॉन स्किपेबल इन स्ट्रीम एड। राइट, नॉन स्किपेबल इन स्ट्रीम एड कौन सी होती है? जो कि अप टू 15 सेकेंड होती है और जो कि स्किप नहीं हो सकती। ठीक है, तो मैंने किया नॉन स्किपेबल इंस्ट्रीम एड्स, और देन मैंने इसे किया कंटिन्यू, और देन बाकी जैसा आप देखते आए हो अभी तक सब सेम है। आपको यहाँ कैंपेन का नाम लिखना है और बिडिंग स्ट्रेटेजी इसकी क्या है, टारगेट सीपीएम। और कोई बिडिंग स्ट्रेटेजी आप इसमें यूज नहीं कर सकते। टारगेट सीपीएम इज आप 1000 इंप्रेशन के कितने पैसे देना चाहते हो। राइट, तो वो टारगेट सीपीएम, देन आप कितने पैसे खर्च करना चाहते हो जो कि आपको पता ही अभी तक आप देखते आए हो। देन डिलीवरी मेथड, आप कौन से मेथड से पेमेंट करना चाहते हो। देन नेटवर्क, आप कहाँ कहाँ ऐड दिखाना चाहते हो, तो वीडियो पार्टनर्स हम नहीं लेते। देन आप यहाँ से लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो जैसा अभी तक हम बाकी कैंपेन्स में करते आए। देन यहाँ से आप लोकेशन ले सकते हो कहाँ आप ऐड दिखाना चाहते हो। देन सिंपल अगेन इन्वेंट्री, जो कि आप देखते ही रहे हो। एक्सक्लूडेड कॉन्टेंट, क्या आप एक्सक्लूड करना चाहते हो। सब चीज सेम है, कोई भी चीज अलग नहीं है। देखो सेलेक्टिव ऑप्टिमाइजेशन भी सेम है, डिवाइसेस भी सेम है, फ्रीक्वेंसी कैपिंग सेम है, एड शेड्यूल सेम है, एड ग्रुप नाम सेम है, आपकी टारगेटिंग भी सेम है, डेमोग्राफिक वगैरह जो भी आप लेना चाहते हो ले सकते हो। ऑडियंसेस भी सेम है, जो भी आप ऑडियंस यहाँ से सेलेक्ट करना चाहते हो आप उन्हें सेलेक्ट कर सकते हो और आप उन्हें एड दिखा सकते हो। अगेन सेम टॉपिक, आप टॉपिक सेलेक्ट कर सकते हो, देन अगेन आप प्लेसमेंट सेलेक्ट कर सकते हो। देन आपको यहाँ पे लिखनी है अपनी टारगेट सीपीएम। राइट, देन आपको यहाँ पे लिखना है आप टॉप कंटेंट के लिए कितने पैसे देना चाहते हो, कितनी बिड एडजस्टमेंट करना चाहते हो। राइट, देन आपको सेलेक्ट करनी है अपनी यहाँ पे वीडियो। कुछ भी अलग नहीं है, एड बनाने का जो तरीका है वो एग्जैक्टली सेम है जैसे बाकी तरीके थे। बस फर्क क्या है, फर्क है एड टाइप में। ये जो एड है वो है स्किप नॉन स्किपेबल इन स्ट्रीम, मतलब ये स्किप नहीं हो सकती। पहले वाली एड कौन सी थी, इन स्ट्रीम स्किपेबल, बस ये फर्क है और कोई भी फर्क दोनों एड्स के अंदर नहीं है। बहुत ही ज्यादा सिंपल है। ठीक है, तो ये आप इस तरीके से ये वाली एड बना सकते हो। अगर मैं इसको अब क्लोज करूं और मैं वापस जाऊं न्यू कैंपेन में, वापस जाऊं न्यू कैंपेन में, क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल करूं, और मैं यहां पे जाऊं वीडियो पे, और इस बार मैं लेता हूं आउटस्ट्रीम एड। आउटस्ट्रीम एड कौन सी होती है, तो आउटस्ट्रीम एड वो होती है जो फोन और टैबलेट पे नजर आती है। ये नजर आती है थर्ड पार्टी वेबसाइट्स के ऊपर या फिर एप्स के ऊपर। राइट, तो वो होती है आउटस्ट्रीम एड। तो मैंने यहां से सेलेक्ट किया आउटस्ट्रीम एड और यहां से मैंने सिंपल किया उसको कंटिन्यू। देखो कुछ फर्क नहीं है, आपको कैंपेन का नाम लिखना है। यहाँ पे बिडिंग बाय डिफॉल्ट कौन सी है, व्यूएबल सीपीएम। ठीक है, कि 1000 बार आपकी एड लोगों को दिखे उसके लिए क्या पैसे देना चाहते हो। देन अगेन सिंपल, आपको अपना बजट लिखना है, नेटवर्क सेलेक्ट करना है। देखो ये नेटवर्क भी बाद में अगेन बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड है, वो क्या है, वीडियो पार्टनर्स ऑन द डिस्प्ले नेटवर्क। ठीक है, ये यूट्यूब पे एड नहीं चलती क्योंकि ये आउटस्ट्रीम एड है। देन लैंग्वेज, देन लोकेशन, देन अगेन सेम आपका इन्वेंट्री, एक्सक्लूडेड कंटेंट, आपका डिवाइसेस, फ्रीक्वेंसी, और अगेन आपका वही डेमोग्राफिक, ऑडियंसेस, कीवर्ड, टॉपिक, प्लेसमेंट, जो भी आप अब तक आप देखते आए हो। देन आपको यहाँ पे बिडिंग लिखनी है, देन आपको लेनी है अपनी यहां से एड। देख रहे हो कितना सिंपल है। तो अगेन कोई फर्क नहीं है, फर्क क्या है, एड टाइप में। ये कौन सी एड है, आउटस्ट्रीम, मतलब जो कहीं बाहर दिखेगी, थर्ड पार्टी वेबसाइट्स पे दिखेगी, थर्ड पार्टी एप्स पे दिखेगी, और कोई फर्क नहीं है। ठीक है जी, तो इसे भी क्लोज करते हैं और नई कैंपेन बनाते हैं, न्यू कैंपेन, क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल। अब मैं करता हूं वीडियो, आउटस्ट्रीम हो चुका है। ड्राइव कन्वर्जन, देखो ड्राइव कन्वर्जन का मतलब क्या है, आप ज्यादा से ज्यादा सेल चाहते हो। देखो यहां पे भी क्या फर्क है, कोई फर्क नहीं है, कैंपेन नेम सेम है,
जस्ट इसने क्या की, बिडिंग स्ट्रेटेजी चेंज कर दी। बिडिंग स्ट्रेटेजी यहां पे देखो दो है, पहला मैक्सिमाइज कन्वर्जन, मतलब गूगल से आप क्या चाहते हो कि भैया आपकी कन्वर्जन ज्यादा से ज्यादा हो, ज्यादा से ज्यादा आपकी सेल आए। और पहला है टारगेट सीपीए, मतलब एक एक्विजिशन के आप कितने पैसे देना चाहते हो। अगेन अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है, दिस इज अ टारगेट सीपीए। गूगल आपसे पूछ रहे हैं कि भैया एक एक्विजिशन के, एक सेल के कितने पैसे देना चाहते हो। तो सपोज मैंने यहां पे लिख दिया ₹20। अब ये क्या है, एक एक्विजिशन के मैं ₹20 देना चाहता हूं, एक सेल का मैं ₹20 देना चाहता हूं, बट दिस इज अ टारगेट। ये टारगेट जरूरी नहीं कि अचीव हो। अगर अब मैंने ₹20 रख दिया, अब ऑक्शन में जब मेरी एड गई तो गूगल को दिखा कि भैया ये ₹20 तो बहुत कम है, जो कि बाकी लोग बिड कर रहे हैं ज्यादा, तो मेरे एड की डिलीवरी ही नहीं आएगी। तो अगर आप टारगेट सीपीए के साथ टेस्ट करना चाहते हो तो आपको अपना टारगेट सीपीए ज्यादा रखना पड़ेगा, आपको अपना टारगेट सीपीए थोड़ा सेट ज्यादा करना पड़ेगा ताकि एड को आपके इंप्रेशन मिले। एक बार आपकी एड को इंप्रेशन मिलना स्टार्ट हो गया, देन आप अपने सीपीए को धीरे धीरे डाउन कर सकते हो, ठीक है। बट इनिशियली आपको सीपीए को हाई रखना है, अगर आप कम करोगे तो आपके एड को डिलीवरी नहीं मिलेगी, राइट। दूसरा ऑप्शन है आपका मैक्सिमाइज कन्वर्जन, मतलब गूगल खुद डिसाइड करेगा कि आपका सीपीए कितना होना चाहिए, एक सेल का आपको कितने पैसे देने चाहिए। देन सेम आपका बजट, देन सेम आपका नेटवर्क, देन सेम आपका लैंग्वेज, देन लोकेशन, देन आपका इन्वेंट्री टाइप वही सेम है, देन ऑप्टिमाइजेशन हम देख चुके हैं कैसे सेलेक्ट कर सकते हो, डिवाइसेस, फ्रीक्वेंसी, एड ग्रुप्स, टारगेटिंग आपकी सेम, देखो डेमोग्राफिक ऑडियंस। बस फर्क क्या है, फर्क है आपका बिडिंग स्ट्रेटजी के अंदर, और कोई फर्क नहीं है एड बनाने में, राइट। तो आप देख सकते हो कि सारी एड्स बनाने का प्रोसेस एक ही होता है, तरीका एक ही होता है गूगल के अंदर, बस बिडिंग चेंज हो रही है और ज्यादा चीजें चेंज नहीं हो रही। मतलब जो बेसिक्स हैं वही 90% आर बेसिक्स, अगर आप बस इस पे फोकस करोगे तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। तो आप यहां से वो देख सकते हो। प्लस अगेन अब मैं दोबारा जाता हूं न्यू कैंपेन के ऊपर, क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल। अब मैं जाता हूं से दोबारा वीडियो के ऊपर और देखो शॉपिंग है। एड सीक्वेंस में आपको कल के लेसन में समझाऊंगा क्योंकि इसमें थोड़ी सी ज्यादा चीजें हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी। शॉपिंग अगेन, जब हम शॉपिंग एड्स पढ़ेंगे तब मैं आपको ये शॉपिंग वाला समझा दूं, राइट। तो आप देख सकते हो सारी एड्स एक ही तरीके से बनती हैं। कल के लेसन में हम समझेंगे एड सीक्वेंस, बहुत ही जबरदस्त चीज है एड सीक्वेंस। कल के लेसन में हम एड सीक्वेंस के बारे में समझेंगे, एड सीक्वेंस कैसे काम करता है, हम इसकी एक एड बना के देखेंगे एड सीक्वेंस की, ठीक है जी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन।